सुकमा पुलिस के सामने 8-8 लाख रुपए के इनामी दो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। दो इनामी नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने पर एसपी सुकमा किरण चौहान ने कहा कि दो कट्टर नक्सली कमलू प्रकाश और मरकाम रीता ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। कमलू प्रकाश का आत्मसमर्पण नक्सलियों के लिए एक बड़ा झटका है। वह AK-47 रखता था और चलाता था। मरकाम रीता के पति नागेश ने भी कुछ दिन पहले सरेंडर किया था। एसपी ने भी कहा कि मैं सभी नक्सलियों से पुलिस के सामने सरेंडर करने की अपील करता हूं। सीआरपीएफ सुकमा जिले में नक्सल निर्मूलन का जो काम कर रही है उसे प्रभावित होकर दो हार्डकोर नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। कमलू प्रकाश ये संगठन में डीवीसीएफ के पद पे था, व्यापक जन संगठन, छात्र संगठन अध्यक्ष, इसके अलावा किसाराम एरिया का कमांड इन चीफ रहा है, विभिन्न घटनाओं में शामिल रहा है। नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है उससे परेशान होकर कमलू प्रकाश ने आज हथियार रख दिए और मेरे सामने आके आत्मसमर्पण किया है। ये संगठन ने AK-47 हथियार धारित करता था और इसके आत्मसमर्पण की वजह से संगठन को बड़ा नुकसान हुआ है। मड़कम रीता ये मंगलगुड़ा की निवासी है, थाना किस्टारा। ये बटालियन 1 PLG बटालियन नंबर 1 में काम करती थी एज ए सेक्शन 1 कमांडर। उसका जो पद था PPCM था, शासन द्वारा इस पे 8 लाख का इनाम रखा गया था। बटालियन की जो कार्यनीति है और नक्सली विचारधारा है उससे परेशान होकर रीता ने आत्मसमर्पण किया है। कुछ ही दिन पहले रीता के जो पति थे नागेश, जो बटालियन का एक कंपनी का कमांडर था, उसने सरेंडर किया था। जो पुलिस और सीआरपीएफ के ऑपरेशंस है, विकासात्मक जो काम है, उसकी वजह से जो इस इलाके में नक्सल संगठन पर दबाव बढ़ा है उसे प्रोत्साहित होकर इन दोनों ने समर्पण किया है। इसी के माध्यम से मैं सभी नक्सलियों से ये अपील करता हूं कि जल्द से जल्द संगठन को छोड़ के आत्मसमर्पण करें।